वेलकम टू ब्लॉग्स विद डीएस लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड अकोन बजे 11:30 एंड प्रकृत इज हियर। अभी उसका ऑनलाइन क्लास अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है, मतलब लास्ट क्लास अभी भी है, 12:30 होगा। सो तब तक के लिए अभी थोड़ा सा इसने ब्रेक लिया हुआ है। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं तो ठीक हूँ। और पानी बाकी है, वो ग्लास में पानी पी लो। रकेत, इतनी बार बोलना पड़ता है? इतना बोलना क्यों पड़ता है पीने के लिए? सुबह से दिया हुआ है। क्लास हो रही थी ना? क्लास हो रही थी, फिर भी यू डोंट हैव टू टेक सो मच ऑफ टाइम नाउ टू ड्रिंक वाटर। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा ही है, मैंने इसको पानी दिया। एक्चुअली ना क्या हो रहा है, कल से थोड़ा सा मुझे अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा था, मतलब गले में थोड़ा सा, 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा, मतलब गले में जैसे वो कांटा सा चुभ रहा था मुझे, पता है ऐसे कांटा नहीं होता वैसे चुभ रही थी एंड ठीक नहीं था। और मतलब कुछ भी खाने में बहुत दिक्कत सी आ रही थी, मतलब कुछ भी खाओ तो लगता है ऐसे कुछ अटक रहा है गले में, तो थोड़ा सा लग रहा था, पता नहीं ये सारे अच्छा ठीक तो नहीं है, ये सारे सिम्टम्स जो आ रहे हैं। सो इसीलिए मैंने आज वही 2-3 2 दिन से मैंने बहुत आइसी कोल्ड वाटर भी ड्रिंक किया था, सो शायद उसकी वजह से होगी, क्योंकि वैसे तो मैंने वीडियो अचानक से मैंने ज़्यादा ही मैंने कुछ ठंडा पानी पी लिया, सो दैट्स वाई में भी ये होगा। तो अभी तो मैंने वो काढ़ा पिया है, जो अदरक और सारा यू नो क्लॉव्स वगैरह डाल के, क्लॉव्स और जो भी होता है दालचीनी वगैरह सारा कुछ वो करके काढ़ा बनाया था, वो मैंने पी लिया। सो उसके बाद से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। स्ट्रेप्सिल्स भी इवन मैंने लिया है कल, और थोड़ा सा विक्स भी मैंने यहाँ पे लगा लिया, तो अभी इससे रिलीफ मिला है काफ़ी कल से ना, इसीलिए आप देख ही रहे हो मैं थोड़ा सा मेकअप में बैठी। कल मैं थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी, इसीलिए इतना व्लॉग नहीं बना पाई थी मैं। सो आज मैं ठीक हूँ, तो इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। और आप देख रहे हो सुबह से ये प्रकृत मुझे इतना परेशान कर रहा है। इसने वैसे ही पानी वगैरह तो आपको नहीं देखा ही है, इसने पिया नहीं था, तो अभी उसने किया है। तो अभी तो इसका क्लास होगा 12:30, तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह तो उसने कर लिया है, थैंक गॉड, नहीं तो ये 12 बजे तक ब्रेकफास्ट भी करता है और बहुत मुश्किल होता है इसको। 12:30 बजे ये ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद ये फिर इसको नहला के फिर लंच भी लेता है फिर उसके बाद। सो आज इसने जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट मतलब ख़त्म कर लिया है, थैंक गॉड फॉर दैट। सो गाइज, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखो अपना, बिकॉज अभी आपको पता है ये 3rd वेव आने वाला है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। अभी ठंडा चीज़ें बिल्कुल मत पियो और मास्क प्लीज़ पहनो। वैसे तो मैं मास्क हमेशा आपने देखा ही होगा, मैं कोई भी वीडियो में आपने नहीं देखा कि मैं मास्क के बिना हूँ। कभी भी मैं बाहर जाती हूँ तब भी मैं 3 लेयर्स मास्क पहनती हूँ, 3 लेयर्स हो या 2 लेयर्स हो मैं पहनती हूँ मास्क, तो मैं पहनती हूँ। सैनिटाइज भी बार बार मैं करती हूँ, बट फिर भी आई डोंट नो, मे बी आजकल जो हालात है शायद मतलब लास्ट टाइम से भी बदतर होने वाली है, तो अभी से थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लो। और प्लीज़ प्लीज़ गाइस, सैनिटाइज करो, एंड अगर ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ ना हो तो आप मत जाओ बाहर, घर में ही रहो एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके गाइस, बाय। मैं ना कल थोड़ा सा जैसे यूट्यूब देखती रहती हूँ, सबका ब्लॉग देखती हूँ, तो कई बार मुझे मैं देखने को मिलता है यू नो कई लोग जैसे क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, मतलब लोग कुछ कर रहे हैं अगर यूट्यूब में कुछ अपनी जो क्रिएटिविटी वो दिखा रहे हैं, लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वो उनको क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। या तो आप उनका ब्लॉग मत देखो, अगर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है उससे तो आप उसका ब्लॉग ही मत देखो ना। यू डोंट हैव टू क्रिटिसाइज एनी वन, है ना, एवरीबडी इज़ फ्री और वो कुछ भी बना सकते हैं, अगर रूल्स के हिसाब से बना रहे तो इट्स ओके। सो आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, सुना आप उसको अब देखो ना, उसमें कुछ लिखो, है ना। कमेंट में मैं देखती हूँ कई बार लोग इतना कुछ लिख देते हैं, मतलब कुछ भी लिख देते हैं, मतलब ये भी नहीं सोचते यार, कम से कम गाइडलाइंस तो फॉलो करके लिखो जो भी लिखना है। सो आई डोंट थिंक यू नो, और जिनको भी वो लिख रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट डोंट जस्ट थिंक अबाउट वट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। तो आप अपना देखो, है ना। सो आप में क्वालिटी है इसीलिए लोग देख रहे हैं, अगर आप में क्वालिटी नहीं होती तो शायद कोई लोग देखता आपको, है ना। सो आप ये मत देखो कि कौन देख रहा है और कौन लिख रहा है, कौन क्या बोल रहा है, डोंट थिंक अबाउट दैट, उनको छोड़ो, ठीक है, क्योंकि दे डोंट बिलोंग टू योर क्लास। सो
अब अपना देखो, बस अपने बारे में सोचो, अपनी ब्लॉग के बारे में सोचो, अपना वीडियोस बनाओ, जैसे आप बना रहे हो वैसे कंटिन्यू करो. डोंट हैव टू थिंक, यू नो देर आर मेनी नेगेटिव पीपल इन दिस वर्ल्ड एज वेल एज पॉजिटिव पीपल इन दिस वर्ल्ड. सो जो नेगेटिव पीपल होते हैं उनका प्रॉब्लम ही यही है कि वो हमेशा, लोग अगर अच्छी चीज़ भी करेंगे ना तो वो हमेशा उसमें नेगेटिविटी ही पाएंगे कि ये चीज़ है जिसने ठीक नहीं किया, ये चीज़ ठीक नहीं किया, वो चीज़ ठीक नहीं किया. और जो पॉजिटिव पीपल होंगे वो हमेशा आप जो भी करेंगे उसको वो तारीफ करेंगे, भले वो आपने मतलब उनको पता है कि आपने कितना मेहनत लगाया, क्योंकि हमें पता है कि हमें कितना मेहनत करता है करना पड़ता है वीडियो बनाने में. सो डोंट थिंक अबाउट दैट. वही एक गाना है ना जो अमर प्रेम का, जो गाना है सच में इट इज़ वेरी रियलिटी, इट्स अ वेरी रियल फैक्ट ऑफ लाइफ. क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपके पीछे के पीछे बहुत कुछ बोलेंगे, सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट देम बिकॉज दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इन योर लाइफ, है ना. सो वो बोलेंगे टेल, लेट देम से ब्ला 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 होल्ड इट. आप अपना जो काम है आप अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो और ना ही ये लोगों की चिंता करो. क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं भी इतना जाए रहना. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग ऑल्सो. क्योंकि मैं जब भी मैं इन सब चीज़ों के बारे, कई बार मैं सोचती हूँ कि यार कैसे लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं. सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट देम. जो आप बना रहे हो आप बनाओ, बनाते जाओ, कमेंट्स आएंगे जाएंगे. अगर ऐसा कमेंट आता है तो आपको पता है इसे डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट कर दो या तो कमेंट बॉक्स ऑफ कर दो, टर्न ऑफ कर दो, सीधी सीधी बात है. डोंट जस्ट लिसन टू सच पीपल, ओके, एंड स्टे कूल. जितना आप कूल रहोगे, आप अगर ज़्यादा हीटअप हो गए तो अनाप शनाप बोलोगे, तो इससे अच्छा आप कूल रहो और लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट, लेट योर हेटर्स डू वट एवर दे वॉन्ट. लोग हेट करेंगे, हेट कर रहे हैं मतलब आप एक जगह पे पहुँचे हो इसीलिए वो हेट कर रहे हैं, ठीक है. सो उस आप उस हेट्रेड को भी पॉजिटिव वे में लो और वीडियोस बनाते जाओ. बाय.